नमस्कार, मी अर्चना आरते टेस्टी सफर मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते। आज मैं इसके लिए मराठी बोल रही हूँ क्योंकि मैं आज आपको जो रेसिपी बताने वाली हूँ वो मराठी नववर्ष पर बनाई जाती है, जो है गुड़ी पड़वा। तो उसके लिए मैं आपको एक ऑथेंटिक रेसिपी बताने वाली हूँ, उसका नाम है केसरी भात। इसी बहाने मुझे और एक बात क्लियर करनी है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा है कि ताई आप हिंदी में क्यों बात करते हैं, बाकी के सब चैनल तो मराठी में हैं, लेकिन ये खास चैनल मैंने हिंदी में स्टार्ट किया है। अगर आपको मेरे मराठी वीडियोस देखने हैं तो बाकी के चैनल पर मेरे मराठी वीडियो चालू है, तो वो आप देख सकते हैं। तो आज की रेसिपी हम शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है, इसे अच्छी तरह से पिघलने देना है। यहाँ मैंने कोलम चावल लिया है, आप आपकी पसंद का चावल भी यूज कर सकते हैं। 2 कप चावल लिया है, इसे धो के स्ट्रेन करके रखा है। घी पिघल चुका है, अब इसमें डाल देंगे काजू और किशमिश। अब इसमें जाएगी 3 लौंग। चावल डाल देंगे जो हमने 2 कटोरी लिया है। अब इसे अच्छी तरह से सौते कर लेना है थोड़ा सा। जितना चावल लिया है उससे डबल हम पानी ले लेंगे, यानी कि 4 कप। और अब इसे बड़ी आंच पे थोड़ा होने देना है, इसे थोड़ा पकने देना है। पानी बॉईल हो चुका है तो हम इसमें अभी केसर डाल देते हैं। 2 पिंच केसर लिया है। और इसे अभी अच्छी तरह से मिला लेना है और पकने देना है, और इसको सिर्फ 3/4 ही कुक करना है, उसके बाद हम इस पे शक्कर डाल देंगे। देखो इसमें से पानी कम हो चुका है और ये जो राइस है वो 3/4 कुक हो चुका है। अब इसमें चीनी डाल देंगे, जितना चावल लिया था उसकी आधी चीनी लेनी है और इसे मिक्स कर देना है। अब इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और इसे धीमी आंच पर ही रखना है, अभी स्टीम आने तक रहा देखनी है। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं हुआ है कि नहीं। ये हो गया है, पक चुका है पूरा, अब इसे निकाल लेते हैं। गरमा गरम केसर भात तैयार आहे, मला हा माझ्या आईने शिकवलेला आहे आणि माझा फेवरेट आहे। तुम्ही पण हा नक्की करून बघायचं आहे, आणि तुम्हाला सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा।